प्रधानाध्यापक महोदय को और जो आपके सामने छोटा सा स्पीच रखेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दिया गया अपने विद्यालय ज्ञानपुर पवित्र स्कूल पंकज सर के लिए। पंकज सर। आदरणीय निर्देशक महोदय, प्रबंधक महोदय, शिक्षक गण, प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ज्ञानपुर पब्लिक स्कूल के परिसर में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपना देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी लेने के लिए बहुत वीर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अथक प्रयास किया, इसके बाद आजादी मिली। आजादी को 78 वर्ष हो चुके हैं। जिस समय भारत आजाद हुआ था उसी के आसपास में और भी कंट्री इसके साथ साथ आजाद हुई थी, जो कि जिनकी स्थिति भारत से आज ज्यादा अच्छी है, आर्थिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति अच्छी है, तो हम उनसे पीछे क्यों हैं? हम विकसित राष्ट्र में क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके पीछे का वजह है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारे पास एक ही माध्यम है और वो है एजुकेशन। यदि सही ढंग से एजुकेशन लिया जाए और सही ढंग से एजुकेशन दिया जाए तो एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है। लेकिन अपना एजुकेशन जो है उसका स्वरूप बिगड़ चुका है। ये मुख्यतः एजुकेशन आप ध्यान दें तो तीन प्रकार की है। फर्स्ट आर्थिक शिक्षा, सेकेंड शारीरिक शिक्षा और थर्ड आध्यात्मिक शिक्षा। हम लोग प्रेफर कर रहे हैं सबसे ज्यादा आर्थिक शिक्षा को, इसके बाद सेकेंड पर रखे हैं शारीरिक शिक्षा को, थर्ड पर आध्यात्मिक शिक्षा को। यदि इसी को पलट कर फर्स्ट में आध्यात्मिक शिक्षा को, सेकेंड में शारीरिक शिक्षा को और थर्ड में आर्थिक शिक्षा को अगर रखा जाए तो ये बहुत ही सुंदर समाज का निर्माण किया जा सकता है। ज्ञानपुर पब्लिक स्कूल आप लोगों को शिक्षित करने में हमेशा तत्पर है और रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।